हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण बिश्नोई। हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? या तो हम पूरा पैसा शेयर में लगा देते हैं, या तो पूरा पैसा हमने कहीं कमोडिटी में लगा दिया, या हमारा कहीं रियल एस्टेट में फंसा हुआ है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में होता है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है हमें उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमें अपना इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, बॉन्ड्स में, कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर, रियल एस्टेट, इन सब एसेट्स में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं उसका रीजन है, कोई भी एसेट क्लास हर साल एक साथ नहीं रहता है। इसी साल गोल्ड बढ़ता है, किसी साल शेयर बढ़ते हैं, किसी साल इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और किसी साल रियल एस्टेट बढ़ता है, और कभी कभी ये रिवर्स भी होता है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इन सारे पोर्टफोलियो में एक अच्छी तरीके से है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको लॉस में रहने का या माइनस में रहने का चांसेस कम है। इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होना चाहिए। हमें अपना इन्वेस्टमेंट बैलेंस तरीके से सारी एसेट में लगाना चाहिए। इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट इससे सेफ भी रहेगा, हमारा रिटर्न भी अच्छा आएगा, और हम एक अच्छे निवेशक कहलाएंगे।